ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਕਸ਼ਿਪ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। दो दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं इस परिवार के इकलौते पुत की इटली च मौत हो गई है। खन्ना वासी 36 वर्यां दा लखबीर सिंह कुछ दिनों तो बीमार चल रहा सी। जवान पुत की मौत ने पिता का लक तोड़ दिता। दो भैणा का इकलौता भरा लखबीर 10 सालों तो इटली च ही रहिंदा आ रहा सी। इटली च करोना वायरस का कहर पूरी दुनिया नालों सब तो वध वेखण नूं मिल रहा है। अजिहे हालातों च पुत की मौत के नाल पूरा परिवार सदमे च। लखबीर के पिता कोल भी इटली की PR है, पर वह भी अजिहे हालातों च अपने पुत की मृतक दे लैण दे लई इटली नहीं जा सकते। करोना वायरस कारण बिगड़ते हालात के मद्देनज़र परिवार की मंग है कि लखबीर की मृतक दे घर लियाउण च सरकार उन्हां दी मदद करे। डेथ परसों हुई है, जान का कोई बंद नहीं। मैं 15-20 दिन तक जान कर रहा, महीना ही हो गया तकरीबन। की कारण की से डेथ है पता लगी? बस अब बीमार ही सीवा जी। की मांग करते हो सरकार तो? मांग यही करते हैं कि डेड बॉडी उठते पहुंच। की कारण हो रहे हैं जान की प्रॉब्लम आ रही है? फ्लाइटा बंद ने इटली चले गए। की प्रॉब्लम हुई है जी? उन्हें प्रॉब्लम बीमार सी, सानू तो 15-20 दिन हो गए। यानी फोन ती गल हुंदी सी कि ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। वेरका जी, आज आपकी कॉन्सेंसी का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वो 19 तारीख को दिल्ली से शताब्दी से अमृतसर पहुंचा है और उसने अपने रिश्तेदार को इत्तला किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसी वक्त हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको रेस्क्यू किया, उसको दाखिल किया और आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मैं अपील करना चाहता हूं कि 19 तारीख की शताब्दी जो रात को इधर पहुंची थी, उनका कोच नंबर है C2। C2 में जितने भी पैसेंजर आए हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि पंजाब हित में, देश हित में, परिवार हित में अपने आप को वॉलंटियर आगे लेकर आए, उनका चेकअप अपने आप का कराएं। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। और आप सबसे निवेदन है कि 19 तारीख को रात को जो शताब्दी यहां पहुंची है, C2 में सफर करने वाले जड़े व्यक्ति थे, वो अपने आप को जरूर चेकअप कराएं। वोकल पॉइंट बहुत मेहरबानी।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ